हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मनीषा, स्वागत है आपका अपने चैनल एमएलटी एजुकेशन पॉइंट पर। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ हैं। आज हम फिर मिले हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कोएगुलेशन ऑफ ब्लड बाय क्लोटिंग फैक्टर, यानी कि ब्लड का क्लोट बनता है। ब्लड का क्लोट मतलब कि जैसे आपको चोट लगी, यहाँ पर इंजरी हुई, आपकी ब्लड वेसल्स डैमेज हुई, तो आपका खून बह रहा है। हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद ब्लड जो है वो क्लोट हो जाता है। तो वो ब्लड क्लोट कैसे होता है, क्या मैकेनिज्म चलती है, उसके बारे में हम समझेंगे। तो प्रीवियस क्लास में हमने समझा था हीमोस्टेसिस के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्लेटलेट जो है वो ब्लड का क्लोट कैसे बनाती है, कैसे ब्लड क्लोट बनाने में हेल्प करती है। तो हीमोस्टेसिस की कुछ स्टेप्स हम वहां पर समझ चुके हैं। अब देखो, जो लास्ट स्टेप आती है आपकी, यानी कि प्लेटलेट का प्लग बनने के बाद, जब आपका कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड का जो परमानेंट क्लोट बनता है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट और मेन रोल होता है आपके क्लोटिंग फैक्टर का। किसका? क्लोटिंग फैक्टर का। तो क्लोटिंग फैक्टर क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे आपका परमानेंट ब्लड का क्लोट बनता है चोट लगने पर, उसके बारे में आज की क्लास में हम समझने वाले हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। देखो आगे चलते हैं। सबसे पहले समझते हैं इंट्रोडक्शन कि देखो, ब्लीडिंग अकर व्हेन अ ब्लड वेसल्स इज इंजर्ड, इट इज स्टॉप्ड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड अ हीमोस्टेसिस। यानी कि आपकी ब्लड वेसल्स डैमेज हुई, इंजर्ड हुई, आपको चोट लगी, खून बह रहा है, थोड़ी देर बाद ब्लड क्लोट हो रहा है, तो वहां पर जो मैकेनिज्म चल रही है, जो प्रोसेस चल रही है, उसको हम कहते हैं हीमोस्टेसिस। क्या कहते हैं? हीमोस्टेसिस उसको हम कहते हैं। देखो हीमोस्टेसिस क्या होता है, मैं प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छे से आपको समझा चुकी हूँ। कोएगुलेशन क्या है? तो कोएगुलेशन एक प्रोसेस है जिसमें सोल्यूबल फिब्रिनोजन जो होता है, सोल्यूबल फिब्रिनोजन कन्वर्ट हो जाता है आपके फिब्रीन में, एक इनसॉल्युबल फिब्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में कि यहाँ पर आप देखिए, मैं इसको जूम करके बताती हूँ कि ऐसा प्लेटलेट का प्लग बन जाता है। देखिए यहाँ पर आपकी प्लेटलेट इकट्ठी हो जाती है, आपको चोट लगी तो आपकी प्लेटलेट एक्टिवेट हो जाती है कि कहीं ना कहीं पर खून बह रहा है, मुझे जाना है वहां पर, रक्त का थक्का बनाना है। तो यहाँ पर प्लेटलेट आपकी सारी एक जगह इकट्ठी हो जाती है। जैसे ही ये इकट्ठी होती है, आपके क्लोटिंग फैक्टर एक्टिवेट हो जाते हैं, और क्लोटिंग फैक्टर एक्टिवेट होते हैं तो वहां पर मैकेनिज्म चलती है, और लास्ट में जो है आपका फिब्रिनोजन फिब्रीन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि फिब्रिनोजन एक क्या है, सॉल्यूबल फॉर्म है, एक तरह का प्रोटीन है फिब्रिनोजन, यानी कि क्लोटिंग फैक्टर है, तो वो इनसॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, जैसा कि आपको इसके अंदर दिखाई दे रहा है, इसमें ये जो येलो येलो दिखाई दे रहे हैं, ये थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं, वहां पर पूरा जाल बना लेते हैं ताकि वहां पर परमानेंट क्लोट बन जाए और खून वहां पर बिल्कुल भी नहीं बहे, वहां पर जो है वो ब्लड बाहर नहीं निकले। इसके लिए ये कोएगुलेशन की प्रोसेस चलती है। क्लियर है? तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगले चलते हैं कि हमारे जो क्लोटिंग फैक्टर है वो कितने टाइप्स के होते हैं, यानी कि टोटल आपके 13 क्लोटिंग फैक्टर होते हैं। कितने? 13 क्लोटिंग फैक्टर होते हैं। ये क्लोटिंग फैक्टर हमारी बॉडी में इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही हमें चोट लगती है, प्लेटलेट का एक्टिवेशन होता है, तो ये क्लोटिंग फैक्टर भी क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। इनकी क्या है, चेन चलती है, एक के बाद, यानी कि जैसे एक क्लोटिंग फैक्टर एक्टिवेट हुआ, मान लो कोई सा भी एक ले लेते हैं, ये क्लोटिंग फैक्टर एक्टिवेट हो गया है कि जही चोट लगी, इसे पता चल गया है कि वहां पर चोट लगी, ये तुरंत एक्टिवेट होगा और दूसरे फैक्टर को भी एक्टिवेट करेगा, फिर ये वाला फैक्टर इसको एक्टिवेट करेगा। इस प्रकार से इनका जो है वो चेन चलती है और ये सारे जाके वहां पर एक परमानेंट क्लोट बनाते हैं। तो ये मैकेनिज्म कैसे चलते हैं, कौन से पाथवे होते हैं, उन सभी के बारे में हम समझेंगे। लेकिन ये जो 13 क्लोटिंग फैक्टर है, इनके नाम आप अच्छे से याद कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फैक्टर 1 जैसे फिब्रिनोजन है, फैक्टर 2 प्रोथ्रोम्बिन है, यहाँ पर ये रोमन संख्या लिखी हुई है, इसी में आपको याद करना है। 1, 2, 3 जैसे हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे आपको इसको याद नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में जो है वो ऐसे ही पूछा जाता है। क्लियर है? तो ये 13 क्लोटिंग फैक्टर के नाम आप अच्छे से याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब आगे चलते हैं कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेन, जहां पर अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो मैं बहुत ही आसान तरीके से ये पाथवे आपको समझा दूंगी। आज के बाद ये पाथवे आप कभी नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, देखो इनके बारे में समझते हैं, लेकिन मैं छोटी सी आपको एक पुरानी जो हमारी क्लास में जैसे हमने समझा था उसके बारे में मैं यहाँ पर बता देती हूँ, ताकि सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए।
देखो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जब हमें चोट लगती है, यानी कि यहाँ पर हम लिखते हैं कि हमें इंजरी हुई, क्या हुई, इंजरी हुई, चोट लगी, तो वहां पर सबसे पहले आपकी कौन आती है, प्लेटलेट आती है, प्लेटलेट का एक्टिवेशन होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि सबसे पहले आपका प्लेटलेट का एक्टिवेशन हुआ, क्या हुआ, प्लेटलेट का एक्टिवेशन हुआ। और जैसे ही प्लेटलेट एक्टिवेट होती है वो अपना काम चालू कर देती है और वहां पर क्या बना देती है, प्लेटलेट का एक प्लग बना देती है, प्लेटलेट प्लग लिख लेते हैं हम यहाँ पर, प्लेटलेट प्लग बना लेती, मतलब कि इस तरीके से सारी प्लेटलेट जो है वो जाकर वहां वहां पर इकट्ठी हो जाती है। इसे हम कहते हैं टेम्परेरी प्लग, क्या कहते हैं, टेम्परेरी प्लग। टेम्परेरी मतलब कि जो हम कहते हैं ना कि टेम्परेरी काम है, अभी परमानेंट काम करना बाकी है, तो यहाँ पर टेम्परेरी बनाई, अभी परमानेंट क्लोट बनना बाकी है, और उसमें जो परमानेंट क्लोट बनेगा उसमें आएंगे आपके क्लोटिंग फैक्टर। देखिये प्लेटलेट का प्लग बन गया, अब यहाँ पर आपके क्या होंगे, क्लोटिंग फैक्टर जो है वो एक्टिवेट होंगे, क्या होंगे, क्लोटिंग फैक्टर आपके बॉडी में प्रेजेंट है, इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। जैसे ही इनको पता चलेगा कि प्लेटलेट एक्टिवेट हो गई है और उन्होंने प्लग बना लिया है, तो तुरंत ये क्लोटिंग फैक्टर क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे और वहां पर क्या बना लेंगे, परमानेंट क्लोट बना लेंगे, क्या बना लेंगे, परमानेंट क्लोट बना लेंगे। तो ये परमानेंट क्लोट यहाँ पर आपका बन जाएगा। अब यहाँ पर ये जो स्टेप्स होती है, ये जो परमानेंट क्लोट बन रहा है क्लोटिंग फैक्टर के द्वारा, तो ये ऐसे ही नहीं हो जाता है, इसके लिए इसको इतने चक्कर काटने पड़ते हैं। अभी आपको ये टफ लग रहा है लेकिन जैसे ही मैं आपको समझाऊंगी बहुत इजी लगने लगेगा, क्लियर है। तो इसके बारे में हम समझते हैं, तो ये परमानेंट क्लोट जो है वो कैसे बन रहा है उसके बारे में हमें समझना है। तो देखो जो मेन कंफ्यूजन रहता है बच्चों को वो कहाँ रहता है वो मैं आपको बताती हूँ। अक्सर जो इंटेंसिव पाथवे और एक्सटेंसिव पाथवे में स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उनके बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप इसको इजीली समझ सकते हैं। देखो ये जो मैंने आपको बताया कि जो ब्लड का कोएगुलेशन होता है, जो परमानेंट क्लोट बनता है, वो आपके इसके अंदर क्लोटिंग फैक्टर की जो है वो दो मैकेनिज्म या फिर दो पाथवे चलते हैं, एक चलता है इंट्रिंसिक पाथवे और एक होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे। देखो इंट्रिंसिक मतलब समझो कि अंदर और एक्सट्रिंसिक मतलब समझो कि बाहर। तो इंट्रिंसिक मतलब के अंदर, यानी कि ब्लड के अंदर ये प्रोसेस हो रही है। और भी सिंपल लैंग्वेज में, इजी फॉर्म में मैं आपको समझाऊं अगर, तो यहाँ पर देखिए जैसे ये हमारी क्या है, ब्लड वेसल्स है, ये हमारी ब्लड वेसल्स जो है वो डैमेज हुई है। यहाँ पर ब्लड वेसल्स में आपके प्रेजेंट है एंडोथेलियल सेल्स, ये आधी एंडोथेलियल सेल्स यहाँ पर डैमेज हो चुकी है, तो वो मैं यहाँ पर नहीं बना रही हूँ। तो ये आपकी एंडोथेलियल जो है वो सेल अंदर है, ये ऊपर आपकी लेयर बनी हुई है। तो जैसे ही ब्लड वेसल्स डैमेज होती है, कोलेजन का एक्सपोजर होता है, किसका एक्सपोजर होता है, देखिए यहाँ लिखा हुआ एंडोथेलियल डैमेज और कोलेजन का एक्सपोजर हुआ, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, कोलेजन फाइबर प्रेजेंट है, तो वो कोलेजन का एक्सपोजर यहाँ से होता है, कोलेजन का एक्सपोजर होता है, या फिर आप प्लेटलेट का एक्टिवेशन लिख लीजिए, या फिर प्लेटलेट एक्टिवेशन आप लिख लीजिए, या तो प्लेटलेट तो एक्टिवेट होगी सही, कोलेजन का एक्सपोजर होगा तो प्लेटलेट भी एक्टिवेट होगी क्योंकि यहाँ पर प्लग बनाना है। तो जैसे ही कोलेजन का एक्सपोजर हुआ या फिर प्लेटलेट का एक्टिवेशन हुआ, तो आपके जो क्लोटिंग फैक्टर है वो भी क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ब्लड वेसल्स के अंदर क्या है, आपके क्लोटिंग फैक्टर घूम रहे हैं कि जैसे ही कोलेजन का एक्सपोजर हुआ वो खड़े हो जाते हैं तुरंत कि अभी मुझे क्लोट बनाना है, वहां पर ब्लड का फ्लो जो है वो बह रहा है ब्लड, तो उसको रोकना है। तो कोलेजन यहाँ पर क्या हुआ, एक्सपोज करेगा और उसको एक्टिवेट कर देगा, किसको, क्लोटिंग फैक्टर को। अब ये वाली प्रोसेस कहाँ हो रही है, देखिए आप गौर से देखिए, ब्लड वेसल्स के अंदर हो रही है, एंडोथेलियल, एंडो मतलब कि अंदर, अंदर की सेल्स डैमेज हुई है, इसीलिए उसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक पाथवे, क्लियर है। अब एक्सट्रिंसिक कब कहेंगे, इंट्रिंसिक मतलब तो हम समझ लिया कि ब्लड के अंदर हो रही है, अब एक्सट्रिंसिक मतलब कि ब्लड के बाहर, ब्लड के बाहर मतलब कि आपका टिश्यू डैमेज हुआ है, बाहर आपका टिश्यू है ना, तो टिश्यू अगर डैमेज हुआ है तो आपका एक्सट्रिंसिक पाथवे चलेगा, आपकी ब्लड वेसल्स अगर डैमेज हुई है, एंडोथेलियल सेल अगर डैमेज हुई है, तो आपका इंट्रिंसिक पाथवे चलेगा। आई होप आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हुए होंगे कि कैसे हम इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे को समझे। तो ये बहुत ही आसान तरीका है कि एंडोथेलियल, एंडो मतलब अंदर की सेल्स डैमेज हुई है, तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मतलब कि आपका टिश्यू डैमेज हुआ है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, इंट्रिंसिक पाथवे आपका स्टार्ट होता है फैक्टर नंबर 12। अब ये मैंने सारे फैक्टर लिखे हैं, फैक्टर आप अच्छे से याद कर लीजिए जो अभी मैंने प्रीवियस बताए हैं। तो ये 13 क्लोटिंग फैक्टर सारे इस मैकेनिज्म के अंदर आ जाते हैं। तो अगर इंट्रिंसिक पाथवे स्टार्ट हुआ है, अगर एंडोथेलियल सेल डैमेज हुई है, तो आपका जो फैक्टर नंबर 12 है वो एक्टिवेट होगा,
वो एक्टिवेट होगा किसके द्वारा, जो सबसे हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले हार्मोन है किनिनोजन एंड कैल्केरीन, किसके लिए, काइनिनोजन और कैल्केरीन के द्वारा ये फैक्टर नंबर 12 जो है वो एक्टिवेट होगा। अब ये अगर फैक्टर नंबर 12 एक्टिवेट होता है तो इसके आगे ए लग जाता है, क्या लग जाता है, ए लग जाता है। देखिए यहाँ पर फैक्टर नंबर 12 एक्टिवेट हुआ तो यहाँ पर आपका क्या लग गया, ये ए लग जाएगा। अब फैक्टर नंबर ए जो फैक्टर नंबर 12 है, जो एक्टिवेटेड फैक्टर नंबर है, वो काइनिनोजन के प्रेजेंस में फिर से एक्टिवेट करेगा किसको, फैक्टर 11 को। किसको एक्टिवेट करेगा, फैक्टर 11 को एक्टिवेट करेगा। और जब ये फैक्टर 11 एक्टिवेट होगा तो इसके आगे भी क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा। अब उसके बाद में आता है आपका कैल्शियम, कैल्शियम की प्रेजेंस में अब ये फैक्टर नंबर जो 11 है वो फैक्टर नंबर आपके 9 को एक्टिवेट करेगा। अब देखो 12 के बाद 11 आया, 11 के बाद 9 आ गया, 10 कहां गया भैया, 10 को कैसे याद रखेंगे कि इसके बाद में 11 के बाद में 9 आएगा। तो देखो 10 जो है ना वो आपके कॉमन पाथवे के अंदर आता है, कॉमन पाथवे का मतलब कि यहाँ पर इंट्रिंसिक पाथवे का एंड भी 10 आएगा और एक्सट्रिंसिक पाथवे का एंड भी क्या बनेगा, 10 बनेगा। तो इसको तो आप यहाँ याद रख सकते हो कि दोनों का जो कॉमन बन रहा है लास्ट में वो 10 बन रहा है, तो 10 को अगर हम छोड़ देंगे तो कौन सा आएगा, 9 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 11 के बाद आ जाएगा 9, तो अब फैक्टर जो 9 है वो एक्टिवेट होगा तो इसके आगे ए लग जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका फैक्टर नंबर जो है वो 9 एक्टिवेट हो गया, फैक्टर नंबर 9 एक्टिवेट हुआ तो यहाँ पर आ जाएंगे आपके फॉस्फोलिपिड। अब फॉस्फोलिपिड कहाँ से आएंगे, प्रीवियस क्लास अगर आपने देखी है तो मैंने बताया था कि प्लेटलेट के अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो जैसे ही प्लेटलेट आपके उस 1 मिलीब्रियन फैक्टर के साथ जाकर ज्वाइंट होती है, कोलेजन के साथ जाकर बाइंड होती है, तो वहां पर जो फॉस्फोलिपिड और जो आपके अदर ग्रेन्यूल्स है वो रिलीज हो जाते हैं, लिपोप्रोटीन से ये सारी चीजें। तो यहाँ पर जो प्लेटलेट से ग्रेन्यूल्स रिलीज हुआ है वो यहाँ पर आएगा, साथ ही साथ कैल्शियम भी निकला था आपके प्लेटलेट से तो वो भी यहाँ पर आएगा, और उसके अलावा आएगा यहाँ पर आपका फैक्टर नंबर 8, कौन आएगा, फैक्टर नंबर 8, और इस फैक्टर नंबर 8 को एक्टिवेट करेगा आपका वॉन विलिब्रन फैक्टर। इसलिए ये वॉन विलिब्रन फैक्टर जो है ना वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ी ही काम की चीज है, क्योंकि ये हमारे फैक्टर नंबर 8 को एक्टिवेट कर रही है। देखो ये फैक्टर नंबर 8 जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉटिंग फैक्टर है, इसके बारे में आगे अभी मैं आपको बताऊंगी, अभी आप यहाँ पर इतना समझिए। तो ये तीनों चीजें मिलकर आपके फैक्टर नंबर 10 क्या है कि देखो मैंने आपको बताया कि 10 दोनों में बन रहा है, दोनों में लास्ट आपका 10 बन रहा है जिसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर कैल्शियम भी चाहिए, फॉस्फोलिपिड भी चाहिए और फैक्टर नंबर 8 भी चाहिए, तब जाके फैक्टर नंबर 8 जो है वो एक्टिवेट होगा, फैक्टर नंबर 10 सॉरी 8 नहीं फैक्टर नंबर 10 जो है वो एक्टिवेट होगा। तो इसको कौन कर रहा है, फैक्टर नंबर 9 इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोलिपिड कैल्शियम और फैक्टर नंबर 8, क्लियर है, इतना आपको समझ में आ गया। आगे चलते जाते हैं, इनको हटाते जाते हैं, आप साथ साथ में नोट कर लीजिए। यहाँ पर फाइनल हमारा क्या बन गया, फैक्टर नंबर 10। अब एक्सट्रिंसिक पाथवे पे चलते हैं, इतना आपने समझ लिया, अब इधर आइए। एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या होगा, मैंने आपको बताया कि आपका टिश्यू डैमेज हुआ है, जैसे ही टिश्यू डैमेज होगा तो क्या होगा, आपका टिश्यू फैक्टर रिलीज होगा। टिश्यू फैक्टर है आपका टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, जिसके अंदर आपका फॉस्फोलिपिड है, लिपोप्रोटीन है, ये सारी चीजें आपके थ्रोम्बोप्लास्टिन के अंदर है, यानी कि फैक्टर नंबर 3। देखो धीरे धीरे करके सारे फैक्टर आ रहे हैं, ठीक है, तो ये है आपका फैक्टर नंबर 3। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो फैक्टर नंबर 10 में कन्वर्ट होगा, लेकिन उसके बीच में एक फैक्टर और आएगा जो कि इस फैक्टर नंबर 3 को एक्टिवेट करेगा। ये एक्टिवेट करेगा कौन सा फैक्टर आएगा इसके बीच में, फैक्टर नंबर 7। अब यहां देखिए, यहां था आपका फैक्टर नंबर 8, तो 8 के बाद में कौन सा आएगा, 7, तो डायरेक्ट आप यहां पर चले जाइए, 10 के बाद में आया 8 और 8 के बाद आया आपका फैक्टर नंबर 7। ये फैक्टर नंबर 7 इधर आपके फैक्टर नंबर 10 को एक्टिवेट कर देगा इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, और यहां पर ये आपका फैक्टर नंबर 10 एक्टिवेट हो जाएगा। देखो दोनों तरफ आपका फैक्टर नंबर 8 बन गया है, और अब ये दोनों फैक्टर नंबर 8 मिलकर आपके फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। देखो एक चीज बताती हूँ कि जैसे कोएगुलेशन की जो स्टेप चलती है, यानी कि ब्लड कोएगुलेशन होता है, तो यहाँ पर मेनली आपकी 3 स्टेज आती है। पहली स्टेज आती है फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, दूसरी स्टेज आती है आपके प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनना, और तीसरी स्टेज आती है आपके फिब्रिनोजन से फिब्रिन बनना। अब पहली स्टेज हमने कंप्लीट कर ली है, कौन सी, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर।
प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का फॉर्मेशन ब्लड के अंदर भी होता है और ब्लड के बाहर भी होता है। बाहर होगा जब टिश्यू डैमेज होगा, अंदर होगा जब एंडोथेलियल सेल डैमेज होगी। क्लियर है? तो पहली स्टेप हमने समझ ली कि यहाँ पर फैक्टर नंबर 10 ने इधर से और फैक्टर नंबर 10 ने इधर से प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को एक्टिवेट किया, और साथ ही साथ इसमें दम लगाती है आपकी प्लेटलेट। प्लेटलेट जो है वो फॉस्फोलिपिड रिलीज करती है और यहाँ पर इसको एक्टिवेट करने में मदद करती है। अब आपकी पहली स्टेप कंप्लीट हो गई। उसमें आता है अब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर के साथ मिलता है फॉस्फोलिपिड, कैल्शियम और फैक्टर नंबर 5। फैक्टर नंबर 5 आपका मिलता है और ये सारे मिलकर आपके प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करते हैं। किसको एक्टिवेट करते हैं? प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर नंबर टू। देखो थर्ड के बाद कौन सा आ गया? टू आ गया। यहां से आप याद रखिए, थर्ड के बाद आ गया आपका टू। तो प्रोथ्रोम्बिन ने थ्रोम्बिन को एक्टिवेट किया। अब थ्रोम्बिन बड़ी काम की चीज है। थ्रोम्बिन क्या करता है कि ये जो फिब्रिनोजन होता है, फिब्रिनोजन जो है वो एक तरह का प्रोटीन है जो कि इस तरीके से होता है, और यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड बोन इसके बीच में होता है यहाँ पर। तो ये थ्रोम्बिन जो है वो बहुत ही खतरनाक चीज है। ये क्या कर देता है कि इसके बॉन्ड को तोड़ देता है, और बॉन्ड को तोड़ेगा तो यहाँ पर इस तरीके से ये बन जाएगा। इस तरीके से ये धागे इसके अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है? ऐसे अलग अलग हो जाएंगे तो यहाँ पर इसका पॉलीमराइजेशन हो जाएगा, और फिब्रिनोजन से यानी कि एक सॉल्यूबल फॉर्म से आपका इनसॉल्यूबल फॉर्म बन जाएगा, यानी कि इस तरीके से आपका एक जाल जैसा बन जाएगा जो आपका प्लेटलेट का प्लग बना है उसके ऊपर, और इसी को हम कहेंगे फॉर्म स्टेबल क्लोट यानी कि परमानेंट क्लोट। तो तीनों स्टेप हमने समझी, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर और फिर प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन से फिब्रिन कैसे बना, और फाइनली ऐसे जाकर इन सारे क्लॉटिंग फैक्टर से मिलकर आपका क्या होता है, ब्लड का क्लोट बनता है। तो आज आपको ये स्टेप आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब देखो इसके अलावा मैं आपको और भी काम की चीज बहुत सारी बताती हूँ कि देखो ये जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर किसी भी क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी हुई तो क्या होगा? क्लोटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी हुई मतलब कि ब्लड का क्लोट नहीं बन पाएगा, वहां पर आपकी ब्लीडिंग लगातार होती रहेगी। जैसे हम देखते हैं कि नक्सीरे चलते हैं, नाक से खून रहता है, माउथ से ब्लीडिंग होती है, रेक्टल ब्लीडिंग होती है, हेमरेज होता है, तो वो इन्हीं क्लोटिंग फैक्टर या फिर प्लेटलेट की कमी के कारण होती है। जैसे हम देखते हैं डेंगू, डेंगू में आपकी प्लेटलेट की कमी हो जाती है, तो वहां पर भी क्या हो रहा है, इसीलिए वहां पर ब्लीडिंग होती रहती है क्योंकि वहां पर प्लेटलेट की कमी हो गई है, वो क्लोट नहीं बना पा रही है। देखो जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसका नाम है, मैंने आपको बताया था फैक्टर नंबर 8, उसका नाम है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। एक डिसीज होती है हीमोफीलिया, हीमोफीलिया मोस्ट कॉमन डिसीज है जो कि फैक्टर नंबर 8 की डेफिशिएंसी के कारण होती है। तो इन्हीं फैक्टर की कमी के कारण फैक्टर नंबर एक और था क्रिसमस फैक्टर की कमी के कारण, कैल्शियम की कमी के कारण, या फिर अगर प्लेटलेट जो है वो कम हो गई है जैसे हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, तो उसके कारण ये सभी के कमी के कारण ब्लड जो है वो स्टॉप नहीं हो पाता है। अगर कोई इंजरी हो जाती है, जो मैंने अभी सारी आपको डिसीज बताई है जैसे कि रेक्टल ब्लीडिंग होना, माउथ ब्लीडिंग होना, हेमरेज होना, ठीक है, नक्सीरे चलना, वो सब इन्हीं के कारण होता है क्योंकि वहां पर ब्लड का क्लोट नहीं बन पा रहा है, वहां पर इनकी कमी हो गई है। तो इनके लिए कुछ टेस्ट भी लगता है, जैसे मोस्ट कॉमन टेस्ट है BT CT हम लगाते हैं और PT-APTT लगाते हैं, तो इनसे हम चेक कर सकते हैं कि किसी फैक्टर की कमी तो नहीं है, प्लेटलेट की कमी तो नहीं है, इसी के लिए हम ये टेस्ट लगाते हैं। अब देखो एक चीज जो मैं यहाँ पर आपको बताना भूल गई, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, बड़े ध्यान से सुनना कि देखो हम जब ट्यूब में ब्लड निकालते हैं, जैसे कि हमारे पास एक ट्यूब है, ये प्लेन ट्यूब है, इसमें कोई एंटीकोगुलेंट नहीं है, प्लेन ट्यूब में हमने ब्लड लिया, हम देखते हैं कि थोड़ी ही देर बाद ब्लड का यहाँ पर क्लोट बन जाता है। क्या बन जाता है? ब्लड का क्लोट बन जाता है और ऊपर आपका जो है वो सीरम आ जाता है, ऊपर सीरम आ जाता है, यहाँ पर ब्लड का क्लोट बन जाता है। तो क्या आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो कौन सी मैकेनिज्म चलेगी ब्लड का क्लोट बनने में? इन दोनों में से कौन सी मैकेनिज्म आएगी, इंट्रिंसिक पाथवे आएगा या एक्सट्रिंसिक पाथवे आएगा? देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि एक्सट्रिंसिक आएगा क्योंकि ट्यूब में तो हमने बाहर ब्लड लिया है, लेकिन यहाँ पर एक्सट्रिंसिक नहीं आता है, यहाँ पर आपका इंट्रिंसिक पाथवे आता है। क्यों आता है? क्योंकि देखो ये जो ग्लास है, इस ग्लास की सरफेस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। क्या है? नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज होने के कारण यहाँ पर आपका जो है वो इंट्रिंसिक पाथवे आता है, इस ट्यूब के अंदर आपका इंट्रिंसिक पाथवे चलता है, यानी कि ये वाला पाथवे चलता है।
देखो मोस्ट कॉमनली जो दोनों पाथवे जो है वो साथ साथ ही चलते हैं, क्योंकि हमारा टिश्यू डैमेज होता है, हमारे ब्लड वेसल्स भी डैमेज होती है, तो कॉमनली ये दोनों पाथवे साथ साथ ही चलते हैं, फिर लास्ट में जाके आपका ये कॉमन पाथवे चलता है और स्टेबल क्लॉट बन जाता है। अगर सिंगल पाथवे चला, जैसे कि हम देख रहे हैं कि केवल इंट्रिंसिक पाथवे चल रहा है, ब्लड अंदर की ब्लड वेसल्स डैमेज हुई है, तो आपका वो वाला नहीं चलेगा, आपका बस ये वाला यहां से ये स्टेप आएगा और यहां से इस तरीके से ये बन जाएगा, ये वाला आपका इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर आएगा और इधर से बचा हुआ ये यहां से आएगा, फिर ये कॉमन ये पाथवे, चाहे आपके ये वाले पाथवे चल रहा हो चाहे आपका ये वाले चल रहा हो, ये वाला पाथवे तो आपका चलेगा ही चलेगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा यहाँ पर मिक्सिंग हो गई है, थोड़ा सा हटा देते हैं, वैसे तो हो गया है हमारा क्लास कंप्लीट। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमने पढ़ा कोएगुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ, थैंक यू।